What's up, family? Welcome to another vlog. आज आसिमिस्तान की तरफ से हमें एक इनविटेशन है फूड ब्लॉगिंग का. आ गए आसिमिस्तान. आसिमिस्तान, वेलकम माय ब्रो. एंड आसिम हमें आगे बताएंगे कि हमें किस तरह कहाँ से इनविटेशन आया है. आसिम, आज जो है हमें पास्ता पिज्जा है. थोड़ा लाउड बोलना बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग बोया माइक्स. अच्छा. बाय द वे एक एडिशनल है बोया माइक, ये उन तमाम ब्लॉगर्स के लिए है कि जिन्हें जो मोबाइल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो बोया माइक उनके लिए मोस्ट कन्वीनियंटेबल है कि वो अपने यानी जो सराउंड में साउंड्स हैं उनको अच्छा बेहतर कर सकते हैं. अब आसिम बताएंगे. हाँ आसिम. अच्छा, आज हमारा जो इनवाइट है वो है पिज्जा एंड पास्ता ब्रोकली उनका, जो कि बदर में उनके लॉन्च हो रहे हैं. आज ग्रैंड ओपनिंग है उनकी. okay. तो आज हम वहाँ पे वो ट्राई करेंगे उनका कि क्या उनकी न्यू एडिशन क्या है उनकी उसमें खाने में, और रिव्यू भी देंगे डेफिनेटली उसका. और हमारे साथ है द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी रिजवी ब्लॉग. रिजवी ब्लॉग, सबसे पहले तो इन्हें मुबारकबाद दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इनके 10.5K फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि आसिमिस्तान से भी ज्यादा हैं. कैम टॉक्स तो खैर अभी ग्रोथ कर रहे हैं, मैं स्लोली स्लोली वाला हो रहा हूँ. तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं वहां पे. हाँ जी, फाइनली तो हम पहुंच चुके हैं ब्रोकली एंड पिज्जा. चले अंदर चलते हैं, अंदर चल के देखते हैं कि क्या है अंदर. सो फाइनली वी आर एट ब्रोकली पिज्जा. मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्रोकली पिज्ज़ा. ब्रोकली पिज्ज़ा की अगर मैं आपको नेविगेशन दूं तो ये सिचुएटेड है एट नियर बदर कमर्शियल नियर KFC. सो लेट्स गो इनसाइड. चलिए दोस्तों, तो आपको टूर भी करा देते हैं ब्रोकली एंड पिज्ज़ा के किचन का. लेट्स हैव अ टूर. Finally, we are going inside the kitchen of broccoli and pizza and pasta. So, मैं आपको tour देता हूँ. This is the pasta counter where we make live pastas here for the customer requirement. We can make customized pastas for the customers. So this is an advantage for the customers that they cannot. So finally, ये क्या है? Beverage station of broccoli and pizza and pasta. ये हमारा कॉफी सिस्टम है. ये हमारी सूप है, ब्रोकली सूप. This is the bin mary for the soup. Yeah. And this is the coffee machine. Yes. The coffee is because we serve coffees in a breakfast here. And this is our back kitchen where we make dough and other preps, like we cut onion, green pepper. We make some special sauces by following some special recipes here. Yeah. So let's have a little tour. माशाल्लाह से इन्होंने सफाई का बहुत बेहतरीन इंतज़ाम रखा है. आजकल जो आपके सामने DHA के रेस्टोरेंट्स के हालात हैं, उस हिसाब से ब्रोकली पिज़्ज़ा एंड पास्ता को अगर देखा जाए तो 10 out of 10 देना गलत ही होगा. डेफिनेटली, बिकॉज वी आर फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन द फूड सेफ्टी एंड हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू. एंड वी आर फॉलोइंग ऑल द इंटरनेशनल लाइक द सर्व सेफ हैज स्टैंडर्ड्स हियर. So we have to follow them, and we also intended to clean everything as per the requirement. Thank you. So, दोस्तों, finally ये हैं अहमद साहब
द ब्रोकली पिज़्ज़ा एंड पास्ता के ओनर, ये हमें बताएंगे ब्रोकली पिज़्ज़ा एंड पास्ता का कॉन्सेप्ट क्या है यानी कि, और बाकी आगे सर। वेलकम एवरीबॉडी टू ब्रोकली पिज़्ज़ा एंड पास्ता, द फर्स्ट फ्रेंचाइज आउटलेट इन पाकिस्तान, ओपनिंग इन कराची, एंड टुडे वी हैव आवर लॉन्च ऑफ द स्टोर। टू ब्रीफ यू व्हाट द फ्रेंचाइज इज ऑल अबाउट, दिस इज अ इटालियन dine in, take away, carry out cuisine. You can have live pasta cooking here. Everything is cooked out fresh. All our ingredients are mostly healthy. The concept is very simple. Everything is cooked in front of you, whether it be the pastas. We have about 15 varieties of pastas and about 12 varieties of pizza. We do our crust as thin crust and hand toss. And we have lasagna also on our menu. And one of the most interesting features about this franchise is that you can have breakfast also here, and the breakfast is around the clock as within the store hours timing. We have 6 types of breakfast here, whether you like Italian breakfast or your normal breakfast, everything is available. Most of the items you see in our menu have you can also do an interesting thing. You can create your own dishes, whether it be the pastas or the pizzas. We also serve pizzas in slices. The concept is actually the franchise company is Broccoli Pizza and Pasta UAE. We are now a family of more than 132 retail outlets across the globe, serving in UK, in Saudi Arabia, UAE, Oman, Egypt and Estonia. And recently, within Pakistan, I think we've opened up simultaneously in Egypt also. So this is the place to come in if you want a different taste in your pizzas, in your pastas. So sir, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि Broccoli Pizza and Pasta की सिर्फ एक ये ही outlet है या आगे आपका इरादा है और भी कहीं? हमारा इरादा ये है कि हम इंशाल्लाह कराची के अंदर ही अंदर, in the next couple of years, we will have 5 to 6 more retail outlets coming in. एरियाज आइडेंटिफाइड हो चुके हैं कहाँ कहाँ हमने जाना है. पहला आउटलेट हमने इस प्रॉक्सिमिटी में खोला था, यहाँ पर हमें एक नीच नज़र आ रही थी फॉर द पास्ता लवर्स. सो वी आर लोकेटेड राइट नाउ एट बदर कमर्शियल इन डिफेंस फेज 5. और बाकी सर आपके प्राइसेस के हवाले से हमें थोड़ा आइडिया दे दें, क्योंकि कराची में ये है कि पिज़्ज़ा बहुत लेवल पे खुल गए हैं, पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज, तो आपके और उनके प्राइसेस में क्या यानी कि डिफरेंस है? लेकिन प्राइस की डिफरेंशिएशन में हमारा, मैं प्राइस वॉर में तो नहीं जा सकता ऑब्वियसली, बट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग इन टर्म्स ऑफ द फूड दैट इज़ देयर, एंड यू विल गेट गुड वैल्यू फॉर योर वैल्यू फॉर योर मनी. आसिमिस्तान को हम थैंक्स कहना चाहेंगे फॉर इनवाइटिंग अस फॉर द अमेजिंग पिज़्ज़ा पार्टी. पास्ता भी और स्पेशली ऑरेंज जूस बहुत अमेजिंग. ऑरेंज आप ज़रूर इधर आइएगा ब्रोकली पे और ट्राई कीजिएगा. इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप ना उम्मीद ना होकर वापसी नहीं जाएंगे. थैंक यू.